वित्यो काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव ते अशुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। शिष्य की देलू के वित्यो काल अनंत पण वर्तमान छे दोष, तेना जवाब में श्री गुरु कहे कि वित्यो काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव। अनंत काल भले वित्यो पण ए तो शुभ ने अशुभ भावों में वित्यो छे, का तो शुभ भाव में रहे का अशुभ भाव में रहे, पण ए शुभ ने अशुभ ने बन्ने जो छेदी दे तो मोक्ष नो स्वभाव छे, आत्मा नो मुक्त स्वभाव ए जरूर प्रगटे। तेम शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। मोक्ष शू छे? आत्मा नो स्वभाव ज छे, आत्मा नो मुक्त सर्व कर्म थी मुक्त एवो आत्मा नो स्वभाव ज छे। आत्मा नो स्वभाव कर्म नथी, कर्म तो पर छे, विभाव छे, आत्मा थी पर वस्तु छे। माटे वित्यो काल अनंत ते, ते जे वात करी शिष्य ने कहे छे गुरु ते तो वित्यो काल अनंत ते वात साची, पण ते कर्म शुभाशुभ भाव शुभ ने अशुभ भाव अनंत काल वित्यो ते शुभाशुभ छेदता ते शुभ अशुभ कर्मों ने छेदता शू थाय उपजे एले प्रगटे शू मोक्ष स्वभाव।